सबने कहा कि तू एक दिन चली जाएगी, सबने कहा तू एक दिन चली जाएगी, तुझे जिंदगी बुलाऊंगा फिर मौत ही हमें अलग कर पाएगी, तुझे जिंदगी बुलाऊंगा फिर मौत ही हमें अलग कर पाएगी, सबने कहा तू एक दिन चली जाएगी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आपने एक बात नोटिस की, कुछ लोग जितने आने में एक्सपर्ट होते हैं ना, उससे ज्यादा जाने में एक्सपर्ट होते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मुझे जगा के तुम फिर से चली गई ना, मुझे जगा के तुम फिर से चली गई ना, तुम्हारी आदत बदली नहीं ना ऐसे चले जाने की, तुम्हारी आदत बदली नहीं ना ऐसे चले जाने की, क्यों जाती हो? मतलब ठीक है, अगर जाओगी नहीं तो आओगी कैसे, वो भी एक बहाना है, पर जाओगी ही नहीं तो अच्छा है। अब बात की शुरुआत अगर किसी के जाने से ही हुई थी तो एक फरियाद भी कर लेते हैं, एक मीठी सी फरियाद। कुछ लोग हैं ना, मिलने में एक्सपर्ट होते हैं पर चले जाने में भी बहुत होते हैं। क्यों? घर पे मम्मी ने बुलाया है, टाइम हो गया है। और जब ऐसे इंसान हमारे साथ होते हैं ना, तो वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक तरफ ऐसा लगता है कि वक्त वहीं पे ठहर गया है, जब वक्त को देखते हैं तो कहीं पे भाग गया होता है। तो फरियाद होती है ना, तो फरियाद कर लेते हैं। ये जो तू कभी आकर मुझे एक शाम दे जाती हो, ये जो तू कभी आकर मुझे शाम दे जाती हो, मेरी जान तुम मुझे एक जिंदगी भी तो दे सकती हो, मेरी जान तुम मुझे एक जिंदगी भी तो दे सकती हो। ये जो तू कभी आकर मुझे बस एक शाम ही दे जाती हो। अब अगर आए हैं तो थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। मतलब आपने नोटिस किया, जब इंसान इश्क में होता है ना, तो थोड़ा बहुत चीज़ी, थोड़ा फिल्मी हो जाता है। जो भी बातें वो कहता है ना, वही बातें अगर हम नॉर्मल फेज में सुने ना, तो ऐसा लगे सो फिल्मी, पर वही बातें इश्क में सो रोमांटिक, इश्क और उसका कहर। चलिए तो साहब, आज का मिजाज ऐसा है कि दिल कह रहा है, साहब आज का मिजाज ऐसा है कि दिल कह रहा है कि उसका नाम जिंदगी रख कर गुनगुनाते रहे, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, आज का मिजाज ऐसा है कि दिल कह रहा है कि उनका नाम जिंदगी रख दे। कहा था ना थोड़ा फिल्मी, पर ठीक है, इश्क है तो ये सब जायज़ है। अब जब बात जिंदगी तक पहुंची ही है और उनको कहा है कि दिल लगा ले, गले लगा ले, जो भी, तो अब गले लग ही जाते हैं, पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कहते हैं। दिल चाहता है कि कस लूं उसे बाहों में, दिल चाहता है कि कस लूं उसे बाहों में और कानों में कह दूं चुपके से, सुनो अब तुम कभी बिखरोगी नहीं, सुनो अब तुम कभी बिखरोगी नहीं, दिल चाहता है कि कस लूं उसे बाहों में और कानों में कह दूं चुपके से, सुनो अब तुम कभी बिखरोगी नहीं। अब जैसे कि हमने बात की कि इश्क में इंसान थोड़ा फिल्मी हो जाता है, इश्क में इंसान पॉजिटिव हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि यार ठीक है, जितना भी वक्त मिला अच्छा है, चलो ये तो अच्छा हुआ, बाकी सब ठीक है, ये तो अच्छी अच्छी मोमेंट्स है ना, वो सब कुछ कुछ लोग तो करते, मैं तो करता हूं। तो उसी के आसपास एक छोटी सी बात, वो मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, वो मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, वो मेरे साथ होना तो चाहता है, वो मेरे साथ होना तो चाहता है ना, ठीक है वो मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ। ये बात पता है क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लोग साथ रहना भी नहीं चाहते, सामने वाला चाहता है पर आप नहीं चाहते, या फिर आप चाहते हैं पर सामने वाला नहीं चाहता, यहाँ पे एटलीस्ट दो लोग चाहते तो हैं, ठीक है उतना ही सही, इश्क मुकम्मल है।